इस वीडियो में आपको बताऊंगी अम्ब्रेला कट कुर्ती कैसे बना। देखिए मैंने अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने ही वाली हूँ। तो देखिए ये मैंने कपड़ा लिया है, ये 2 मीटर कपड़ा लिया है लेकिन इसका अर्ज जो है वो ज़्यादा है। और देखिए ये ब्लाउज के लिए लिया है मैंने, ऊपर का ब्लाउज प्लेन रखूँगी। और ये इसका अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम नीचे का घेर कट कर लेते हैं। तो देखिए जो कपड़ा है इसको खोल देते हैं। देखिए ये इसकी लंबाई है कपड़े की, जैसे मैंने बताया मैंने ये 2 मीटर लिया है। विड्थ है वो 1.25 मीटर, विड्थ ज़्यादा है इसकी। तो देखिए जैसे कि ये डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड को अभी हम, ये बंद हिस्सा है यहाँ पे, बंद हिस्से से हम इसको फोल्ड कर देते हैं क्रॉस में, तो इस तरीके से। तो देखिए जो पहले हम, हमारा ये बंद हिस्सा है, तो देखिए यहाँ पे 4 फोल्डिंग क्लोज है। और देखिए ये वन साइड ओपन है और वन साइड क्लोज है, तो इसमें एक ही जॉइंट आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी कमर ले लेते हैं। तो देखिए कमर हम यहाँ से लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये कोना है, यहाँ से कमर लेनी है। कमर हमारी यहाँ पर 14 इंच है। देखिए 4th भाग आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर पहले एक डॉट लगा लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से एक मार्किंग भी कर लें। ये मार्किंग हो जाने के बाद आप ऊपर से जो कोना है यहाँ से इस तरीके से देखें, तो जो हमने मार्किंग की है ये 8.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम कोने की तरफ भी जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 10 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें 8.5 इंच ही लेना है। इस तरीके से आप ले लें और सेम आपको 8.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए बराबर आ रहा है। तो जो यहाँ पर आ रहा है इसको इस तरीके से एक मार्किंग कर लेंगे शेप में। अभी अब कमर देख लें कि कमर हमारी कम तो नहीं हो गई, तो लेकिन कमर हमारी एकदम बराबर है, 7 इंच आ रहा है। 4 फोल्डिंग में आप सिंगल करेंगे तो 14 इंच हो जाएगा। और थोड़ा सा एक सिलाई का पॉइंट एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि खाली एक ही साइड में सिलाई लगेगी, ज़्यादा नहीं है, किनारे का सिलाई लगेगा। तो बस जस्ट नीचे से थोड़ा सा कट कर देंगे इसको, इस तरीके से इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो पहले इसको कट कर देते हैं फिर उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए कटिंग हो चुका है, अभी हम इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। इसको बराबर से इस तरीके से देख लें, मैंने इसको पूरा खोल दिया है। अभी हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो जो हमने कट कर ली है कमर, वहाँ से हम यहाँ पे इसकी जो लंबाई ले रहे हैं ये 34 इंच ले रहे हैं। ये फुल लॉन्ग गाउन नहीं है, ये शॉर्ट है, तो मैंने 34 इंच लिया है। 34 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, वन साइड में थोड़ा सा जॉइंट आएगा, नीचे वाले पार्ट में जॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट आएगा जॉइंट। 34 इंच ले लिया है। अभी जो हमारा ये सेंटर है यहाँ पर भी हमको 34 इंच ही लेना है, मैंने वहाँ पे भी 34 इंच ले लिया है। और सेम जो दूसरा साइड का है यहाँ पे भी 34 इंच लेंगे। तो आपको ये 34 इंच की गुलाई में इसको कट करना है। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मैंने 34 इंच की गुलाई में ड्रॉ कर लिया है और सेम डॉट पर इसको कट कर लेंगे। तो देखिए 34 इंच की लंबाई में ये कट हो चुका है। अभी जो ये पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने पार्ट में हमारा ये जॉइंट आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के हम लिए कपड़ा कट कर लेते हैं। जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसमें से ये पार्ट निकाल देंगे। तो इसको, जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर इसी के ऊपर रख देते हैं। जो नीचे का पार्ट है उसी के शेप में इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये कट कर लिया है। तो इसको कैसे जॉइंट करना है वो बता देती हूँ। तो देखिए जो ये पार्ट है, इस पार्ट में हम इस पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके, यहाँ से लेके हम पूरा यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे। सेम नीचे वाले पार्ट को ये स्टिच हो जाएगा, फिर इसके एक साइड में तो एक ही सिलाई डालनी है, उसको तैयार करेंगे। और नीचे इसमें आप चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, मैं इसमें खाली पीको ही करूँगी। अगर आपके पास पीको मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल भी इसको स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी गर्मी आने वाली है तो इस तरीके की कॉटन की कुर्ती काफ़ी अच्छी रहेंगी पहनने में। अभी ऊपर का ब्लाउज कट करते हैं। ये बचा हुआ कपड़ा है, काफ़ी कपड़ा बच गया है, इसी में से आगे पीछे के पार्ट भी निकल सकते हैं, लेकिन मैं आगे का पार्ट यही रखूँगी, पीछे का प्लेन रखूँगी। तो इसको भी साइड में रख देते हैं, जो अस्तर लिया है उसको पहले कट कर। तो देखिए ये ऊपर का बैक साइड का ब्लाउज रहेगा और ये इसका अस्तर रहेगा, क्योंकि फ्रंट में मैं सेम कपड़ा यूज़ कर लूँगी जो हमारा नीचे का घेर रहेगा। तो सबसे पहले जो अस्तर है इस पर ड्राफ्ट कर लेते हैं। देखिए अस्तर को मैंने धो लिया है और इसको मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया है आगे पीछे के दोनों पार्ट के लिए। और अभी इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए 4 फोल्डिंग कर लिया है दोनों आगे पीछे के पार्ट के लिए। तो सबसे पहले लंबाई ले लेते हैं। जैसे हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई है 13.5 इंच और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 14.5 इंच ले लें। जो भी आपके ब्लाउज की लंबाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि जब हम इसको कमर में स्टिच करेंगे 1/2 इंच जाएगा और शोल्डर पर 1/2 इंच जाएगा, उसका मार्जिन लेके कट करें। तो देखिए मैंने 14.5 इंच की लंबाई में मार्किंग कर लेते हैं। देखिए शोल्डर इसके 6 इंच ले रही हूँ और कपड़े को बराबर से फोल्ड कर लेंगे। और देखिए अभी मुड्डे लेते हैं, मुड्डे 6 इंच। तो देखिए ये हमारा 34 साइज का है, तो 10.5 इंच ले रहे हैं तैयार में। मार्जिन है इसमें 2 इंच का और 8.5 इंच आएगा तैयार में।
तो 10.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी साइज का बनाते हैं 2 इंच का मार्जिन ले लें, क्योंकि फोर्थ भाग इसका 8.5 इंच आएगा। और इसकी गुलाई कर देते हैं 1.5 इंच की, और यहाँ से इस तरीके की। और अभी हम इसको सेम डॉट पर कट कर लेते हैं। देखिए ये आगे पीछे दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इन दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए जैसे कि ये हम बैक पार्ट रख लेते हैं, तो देखिए जो इसके नेक ले रहे हैं शोल्डर से 2.5 इंच ले रहे हैं, और मैं ज़्यादा डीप नहीं रख रही हूँ, 4 इंच में ही ले रही हूँ। और इसके इस तरीके से शेप दे देंगे, और इसको सेम डॉट पर कट कर देते हैं। अभी फ्रंट का नेक लेते हैं, शोल्डर से सेम 2.5 इंच लेंगे, और देखिए फ्रंट में मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने इस तरीके की स्वीट हार्ट शेप में इसको ड्रॉ कर दिया है। सेम ड्राफ्ट पर कट कर ले। तो देखिए इसी ड्राफ्ट को रख के मैं अभी आगे का पार्ट कट कर लेती हूँ, और जो पीछे वाला पार्ट है, देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से रख लिया है और कट कर देते हैं। ये पार्ट कट हो चुका है, ये मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। और अभी कमर में प्लेट डालते हैं, तो देखिए सेंटर से 4 इंच ले लेंगे, 4.5 इंच लंबी प्लेट डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके की आधे इंच की प्लेट आएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड में डाल लेंगे। दूसरी साइड के लिए यहाँ पर कट दे दें, जैसे आसानी रहेगी। और अभी फ्रंट के बारे में, तो देखिए जो फ्रंट पार्ट है इसको मैं प्रिंसेस कट में कन्वर्ट करने वाली हूँ, तो वो बता देती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले हम शोल्डर से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पर 9.5 इंच पर एक हल्का सा डॉट लगा लेते हैं। और देखिए सेंटर से हम 3 इंच ले रहे हैं, और नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे से हम 4.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच में 1.5 इंच की प्लेट ले लें, और इसके बीचों बीच इस तरीके से टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर 0.5 इंच जैसे 1.5 इंच ले, उसके बीचों बीच में ये मार्किंग आएगी, और उसके बाद ये वाली प्लेट से क्या है जो आपकी फिटिंग है काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ से 0.5 इंच लेंगे, और यहाँ से एक सिलाई का मार, इस तरीके से इसकी शेप आ जाए, काफ़ी अच्छी फिटिंग आएगी। आप एक बार ट्राई जरूर करें। अभी इसी तरीके से दूसरे साइड में मार्किंग करने के लिए, या तो आप यहाँ पर एक कट दे दें मुड्डे की तरफ। इससे क्या है जब दूसरी साइड का प्लेट आएगी मार्किंग बराबर से, और जैसे ये उल्टा है तो यहाँ पर हल्का सा आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये छप गया है। तो देखिए ये हमारी मार्किंग एकदम बराबर से हो चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। अभी जो नेक का ड्राफ्ट है इसको रख के कैनवास कट कर लेते हैं। देखिए कैनवास का टुकड़ा ले लिया है मैंने, और जो बैक साइड का ड्राफ्ट था इसको रख के सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे। इसकी चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे, जो कपड़ा लेंगे उसकी चौड़ाई 1.5 इंच ले लेंगे। ये कट हो चुका है, अभी स्लिप कट कर लेंगे। ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया मैंने। अभी 4 फोल्डिंग कर लेते हैं दोनों स्लिप के लिए। तो यहाँ पे लाइन हम सीधी लेंगे, तो इस सेंटर में जॉइंट आएगा, लेकिन उसको आप डिजाइन दे के कवर कर सकते हैं। यहाँ पे पाइपिंग लगा के डिजाइन दे सकते हैं, तो वो जॉइंट भी नहीं दिखेगा और एक डिजाइनर स्लिप भी तैयार हो जाएगी। देखिए इसकी लंबाई देख लेते हैं, देखिए लंबाई 11.5 इंच। तो ये एल्बो डिजाइन, हमारी एल्बो स्लिप तैयार हो जाएगी। और इसकी जो विड्थ लेनी है हमको वो 9.5 इंच ले लेते हैं। तो इस पार्ट को कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए उसके बाद भी देखिए ये कपड़ा हमारा बच चुका है। अभी हम इसमें इसको पहले सीधा अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया पाइपिंग लगा के इसको डिजाइन दे सकते हैं। अभी हम इसकी मोहरी ले लेते हैं। देखिए जैसे हमारी मोहरी है 11 इंच, तैयार में 5.5 इंच आएगी, और थोड़ा सा ऊपर छोड़ देंगे 6 इंच ले लें, और 1 इंच मार्जिन ले लेंगे, तो 7.5 इंच। अगर आप मार्जिन ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 1 इंच ही मार्जिन लिया है। अभी यहाँ से हम लंबाई से इसकी शेप देंगे, तो यहाँ से 3.5 इंच ले लेंगे, 3.5 इंच के नीचे से ही इसकी गुलाई कर देंगे। और जो हमने ये मोहरी ली है यहाँ पे इस तरीके की मार्किंग कर देते हैं, और 1 इंच की ये मार्किंग आ जाएगी। अभी कट कर लेते हैं सेम। ये स्लिप भी कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, और देखिए ये बैक पार्ट है, और ये हमारा नीचे का स्कर्ट है। ये पूरा वीडियो हमारा कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी। देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने इसको स्टिच कर दिया है। देखिए यहाँ पर जो मार्किंग की थी इस पार्ट को स्टिच कर दिया है, मुड्डे की तरफ स्टिच कर दिया है, नेक डिजाइन किया है। और ये नेक डिजाइन कैसे बनाई है इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लेट डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो मार्किंग की है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था एक स्ट्रेट स्टिचिंग डाल देंगे जिससे दोनों पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। अभी यहाँ से पकड़ के हम प्लेट डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई डाल दिया है, देखिए कितना सुंदर हमारा इसका शेप आ चुका है।
इसको साइड में रख देते हैं। अभी बैक पार्ट स्टिच कर लेते हैं। जो बैक पार्ट है इसको मैंने अस्तर के साथ स्टिच कर लिया है और अभी हम नेक की फिनिशिंग देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, मैंने इसको कैनवास को कपड़े के साथ स्टिच कर लिया और अभी हम यहाँ पर नेक में स्टिच करते हैं। दोनों प्लेट स्टिच कर दी हैं और अभी हम इसको शोल्डर से अटैच करते हैं। तो देखिए नीचे हमने बैक पार्ट रख लिया है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी फिनिशिंग देंगे। देखिए देखिए दोनों शोल्डर पर स्टिच कर दिया है। इसको भी खोल देते बाद इसकी फिनिशिंग इस तरीके से आ जाएगी। शोल्डर पर कोई भी सिलाई नहीं है, अंदर की तरफ चलेगी। किनारे पर सिलाई डाल देते। तो देखिए दोनों स्लीव को मैंने उल्टा रख लिया, दोनों अंदर की तरफ सीधे पार्ट है और ऊपर नीचे उल्टे हैं। तो इनको हम आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग देंगे। तो देखिए जो सिलाई मार्जिन है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से आधा इंच पे इस तरीके से मार्किंग करके ये शोल्डर से नीचे तक कट कर देंगे। आगे की तरफ आएगी जो कम कट है पीछे की तरफ। और इसमें मैंने देखिए सेंटर में पाइपिंग दी है। पाइपिंग कैसे देते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और अभी अटैच करते हैं। तो देखिए ये मैंने कुर्ती को शोल्डर पर इस तरीके से सीधा रख लिया है और देखिए जिसमें पाइपिंग है ये सेंटर में आनी चाहिए। तो ये शोल्डर के सेंटर में हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। इसलिए आप इसको सेंटर से स्टिच कर लें। देखिए मैंने दोनों स्लीव अटैच कर लिए हैं। अभी हम इसकी फिटिंग दे लेते हैं और उसके बाद नीचे के स्कर्ट अटैच करेंगे। इसको उल्टा रख लें, जो भी आपका साइज है साइज के अनुसार मार्किंग कर लें। स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। क्योंकि ये अम्ब्रेला स्लीव है यहाँ पे, तो ये किनारे पे सिलाई आएगी, मोहरी से फिटिंग आएगी। ये ब्लाउज मैंने दोनों साइड से फिटिंग कर दी है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसको साइड में रख देते हैं। और जो हमने स्कर्ट ली थी, तो देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे नीचे मैं पीको करूँगी, तो मैंने पीको कर लिया है। जो जॉइंट का पीस था जैसे बताया था मैंने, स्टिच भी कर लिया। अभी इसको हम साइड से स्टिच डाल देते हैं क्योंकि इसमें एक ही सिलाई आएगी। तो देखिए ये हमारी कमर है और यहाँ से हम एक सिलाई डाल देते हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, आधा इंच का मार्जिन लेके हमने कट किया था। उसको इस तरीके से रख लिया है और जो ये स्कर्ट है इसको उल्टा कर लिया है, जैसे ये कमर है। तो देखिए यहाँ पे ये कमर स्टिच होगी। तो सबसे आसान तरीका है आप इसको इस तरीके से ले लें, इसके अंदर से ब्लाउज के अंदर से निकाल लें और ये जो जॉइंट है इस जॉइंट को एक साइड से हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो ये पूरा राउंड में हमारा ये स्टिच हो जाएगा। देखिए गले में हमारी ये पतली सी पाइपिंग आ रही है और यहाँ पे आप देखेंगे डबल पाइपिंग आ रही है दोनों साइड की और बीच में हमारे ये बॉल्स आ रहे हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहा है। और इसकी जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी आ रही है, सिर्फ हमने कन्वर्ट ही किया था। और कमर में आप देखेंगे एकदम करेक्ट फिटिंग के साथ ये कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। स्लिम में देखेंगे तो यहाँ पर भी पाइपिंग है और इसके सेंटर में पाइपिंग है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये अम्ब्रेला कट कुर्ती बना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।